अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसगार्ड कंपनी में एयरपोर्ट लोडर की जो सैलरी वगैरह वो कितनी होती है और ओवर टाइम लगता है या नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं एयरपोर्ट लोडर्स की, तो उसमें जो है ना फिर भी काफ़ी लोगों के ये सवाल आए हैं कि यार आप हमें ये बताओ कि ओवर टाइम कितना लगता है और टोटल सैलरी आती कितनी है। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट तो शायद आपको पता हो, एजेंसी वालों ने आपको बताया हो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है। अगर नहीं बताया तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है। लेकिन उससे पहले तो आप लोगों ने शायद अप्लाई किया होगा एयरपोर्ट लोडर के लिए, कोई कार्गो लोडर है। कार्गो लोडर की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसका जो लिंक है ना वो आपको यूज़र नेम नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फुल जो उसकी डिटेल है वो। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग अप्लाई करते हो ट्रांसगार्ड कंपनी में एयरपोर्ट लोडर के लिए, उसका तो प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। लेकिन अगर आप जो है ना अप्लाई करने के बाद आप लोग ये सोचते हो कि मैं यहाँ पर सैलरी जो है ना पाकिस्तान के कितना साल होगा, कितनी सैलरी मैं निकालूँगा मंथली, मेरा एक्सपेंस कितना होगा, खर्चा कितना होगा, तो बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है टोटल मिला के ना अलाउंस मिला के 825 दिरहम होते हैं। ये आपको पाकिस्तान में एजेंसी में बताया जाएगा कि 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, सही है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ वो 9 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 825 दिरहम होते हैं और अलाउंस डाल के टोटल इतना होता है, मतलब 825। फिर आपका आ जाता जी ओवर टाइम। अब आप लोग ये सोचते हो कि यार मेरे डेली का कितना ओवर टाइम लगेगा, ड्यूटी कितने घंटे होती है, तो ड्यूटी जी यहाँ पे होती है टोटल 12 घंटे, यानी आपका जो है ना टोटल मिला के ओवर टाइम डेली का मिला के तकरीबन आप 1000 दिरहम अर्न कर सकते हो एयरपोर्ट लोडर में, सही है। और एक और क्वेश्चन भी लोगों के जहन में ये होता है कि यार वो काम मुश्किल है या आसान है, तो काम तो मैं अब क्या बताऊँ आपको। एयरपोर्ट लोडर में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कोई इंडोर काम है, कोई आउटडोर काम है, कोई क्रू लगेज हैं, मतलब क्रू होता है जो एरोप्लेन के अंदर जो होते हैं उनका स्टाफ होता है, उनके लगेज वगैरह उठाने होते हैं, ठीक है। और कुछ होता है जी जो लोग मतलब आते हैं फ्लाइट से, उनके लगेज निकालने होते हैं प्लेन के अंदर से और लोड करके आगे भेजने पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। काम जो मैं ये बताऊँ कि काम मुश्किल नहीं है, मजदूरी से मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में जब बंदा काम करता है ना तो उसमें काफ़ी सारे है ना बहुत सारी मुश्किल होती है बंदे को, तो ग्रेड करनी पड़ती है, खुदाइयाँ भी यहाँ पे करनी पड़ती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मी का, तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से ये काम जो है ना बहुत अच्छा है। बाकी कॉमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही थी, तो मैंने सब चीज़ें मिला के ना एक ही वीडियो बना दी है मैंने, ताकि यार आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता लग जाए कि यार क्या हिसाब होता है। मेरे जहन में भी काफ़ी सवाल थे यार कि मैं जिस काम में जा रहा हूँ उस काम में कितना, मतलब क्या हिसाब होगा, कितना खर्चा आएगा, मैं अर्न कितना करूँगा। बाकी खाने का जो खर्चा है, सॉरी मैं भूल गया था, खाने का जो खर्चा है ना वो अगर आप दो लोग मिल जाओगे तकरीबन आपका 280 या 300 तक आ जाएगा मंथली खाने का खर्चा, तो अभी आपको हिसाब लगाने क्या होगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे इंस्टा प्रोग्राम भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस वगैरह अपनी जो है ना यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ और फेसबुक पे भी आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।